of natural selection, and this is our part 9. And after this, there will be one more part, and then in that we will talk about speciation. And if you are new to my channel, so please subscribe to my channel and like my videos. And I will always try to give you new videos on our class 10 SSC and more standards. So please see part 1, part 2 till the part 9, till this part. Then only you will understand the concept of this Darwin's theory of natural selection. And this is also one more part. So let's begin. And in the last video I have told you about this. In this video we will talk about natural selection. Kintara. So pehla point kya bol raha hai? Darwin's theory of natural selection is based on the concept of survival of the fittest. To aapne ye thought suna hoga, survival of the fittest. Jo fit hai wahi fit hai. जो जहाँ फिट रहेगा, जितना फिट रहेगा उतना ही वो ये करेगा, सर्वाइव करेगा, वही सर्वाइव कर पाएगा. जिसके जो फिट है, जो डाइट प्लान करता है, डेली एक्सरसाइज करता है, वही सिर्फ यहाँ पे इस धरती पे जी सकता है. तो वही डार्विन बोलता है कि ये जो सर्वाइवल, जो ये फिट है ना, वही जी सकता है. उसका नेचुरल सिलेक्शन का जो थियरी है वो सिर्फ एक ही कर सकती है, सर जो फिट है वही जी सकता है. फिर नेक्स्ट क्या है, डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. डार्विन ने ना एक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके बुक को पब्लिश किया था, लिखा था, जिसमें उसने अपने पूरी अपने थ्योरी के बारे में बताया था. ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना सब प्रोलिफिकली रिप्रोड्यूस, मतलब प्रोलिफिकली मतलब अनुकूल ढंग से वो अपना रिप्रोड्यूस करते हैं. अंडर लिमिटेड रिसोर्सेज ऑर्गेनिजम्स कंपीट विद ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर. बहुत कम रिसोर्सेज रहते हैं, उनमें ना ऑर्गेनिजम्स ना उनको ही उनसे कैसे अपने से एक से छीना छटी करके वो उसमें जीने की कोशिश करते हैं और उसमें खुद को खुद रहना जानते हैं, खुद कैसे भी जीना रहते हैं. अभी देखिए अनलिमिटेड रिसोर्स, जैसे शेर है, हिरन कितनी कम है, लेकिन शेर उसमें ही आप दूसरे शेर को देख के दूसरे शेर से पहले खुद का शिकार करता है और फिर वो खुद खाता है, तभी वो जिंदा रहता है. यही वो वाला शेर तो हार जाएगा जब वो नहीं कर पाया, उसने जितना रिसोर्स बाकी था, जितना वो हिरन बाकी था, उसमें से उसने एक को भी नहीं मार पाया, सारे भाग गए, तो वो तो मर जाएगा ना, उसको भूख के मारे मर जाएगा. लेकिन ये शेर तो जिंदा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये फिट था, इसके लिए इसने उसको झपट लिया पहले, उस शेर से पहले इसने इसको झपट लिया, इसके लिए बच गया. ओनली दोस ऑर्गेनिज्म सस्टेन्स विच शो द मॉडिफिकेशंस एसेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन. सस्टेन मतलब सर्वाइव. और वही ऑर्गेनिज्म ये सर्वाइव करेगा जो ना ये कंपटीशन को विन करने के लिए नए नए अपने अंदर मॉडिफिकेशंस लाए. जैसे हम थे, हमें कंपटीशन जीतना था, इसलिए हम ऐसे टेढ़ा थे तो हम ऐसे सीधे हो गए, फिर हमने अपने टेल गायब कर दी, हमने अंदर हमारे अंदर मॉडिफिकेशंस आए, हमने अंदर मॉडिफिकेशंस लाए. क्यों? कंपटीशन को जीतने के लिए. अगर कंपटीशन जीतेंगे तभी हम जी आगे बढ़ेंगे. अभी आप देखिए, अभी अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं, समझो वेट लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, तो उसमें सब तो अपने अलग अलग मॉडिफिकेशन लाते हैं. कोई मोटा हो तो वो तो पतला बन जाता है, कोई फिट हो तो वो और फिट बनता है. क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन जीता है ना उसके लिए. फिर नेचर सिलेक्शन ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज नेचर सिलेक्ट ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर फिट टू लिव एंड रेस्ट पेरिस. मतलब नेचुरल सिलेक्शन इसलिए एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि नेचर ना से उनको ही सिलेक्ट करता है जो रहने के लायक है, जो फिट है. अभी आप कॉम्पिटिशन में जो इंसान रह जाता है, जो इंसान आगे बढ़ने के लायक रहता है, जजेस उसको ही चुनते ना, थोड़ी ना जो नहीं जो किसी काम का नहीं उसको चुन लेते. अब जो काम का है, जो आगे कुछ कर सकता है, जो आगे फिट है, जो फिट है मतलब जो इस डांसर डांस कॉम्पिटिशन है, तो जो बेस्ट डांसर है उसको ही चुनेंगे ना, थोड़ी ना जो वर्स्ट डांसर उसको चुन के लेंगे आगे. तो वही बोल रहा है ये कि नेचर उसको ही सिलेक्ट करती है जो अच्छा है, जो फिट है, जो उसके नेचर के हिसाब से, वो नेचर के हिसाब से उस नेचर कैटेगरी में होता है. जब कैटेगरी में फिट है तो वो उसको ही सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो रेस्ट विल पेरिश. पेरिश मतलब खत्म. This gave rise to new species with a specific set of characters. और इसी की वजह से ना नई नई स्पीशीज होता है, इसी वजह से इवोल्यूशन होता है. कैसे? अब देखो, हम झुके थे तो हमने नेचुरल सिलेक्शन के लिए अपने आप को सीधा किया, जिससे हम मॉडिफिकेशन समझ लाया, जिससे हम कॉम्पिटिशन जीत पाए. तो ये हमारे अंदर नया मॉडिफिकेशन है, यही तो हमने अंदर इवोल्यूशन आया था. लेकिन डार्विन की थियरी को भी डिसअप्रूव किया, डिसअप्रूव नहीं किया गया था, कुछ ऑब्जेक्शन उठाए गए थे डार्विन के थियरी पे, कुछ ऑब्जेक्शन उठाए गए थे. तो बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्शन. डार्विन थ्योरी के एक्सप्लेनेशन ये देख लिया कि डार्विन थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन है क्या. अब हम देखेंगे ऑब्जेक्शंस रेज्ड ऑन डार्विन थ्योरी. डार्विन के थ्योरी पे कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे कि डार्विन का थ्योरी गलत है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन बोले गए थे, तो वो भी हम देख लेते हैं.
नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. अभी देखिए आपके ये तीनों ऑब्जेक्शन आपके टेक्स्ट बुक में जैसे दिए मैंने वैसे ही लिखे, क्योंकि ऑब्जेक्शन ये सब पार्ट, ये सब स्टेटमेंट्स होते, कुछ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होते, इसमें आप खुद का तोड़ मरोड़ के नहीं लिख सकते. इसके लिए हमने सीधे ऐसे दिया है, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. मतलब जो नेचुरल सिलेक्शन है ना, बस उसी वजह से इवोल्यूशन नहीं हुआ है. पर बोलते हैं सब लोग कि नेचुरल सिलेक्शन, एक ऑब्जेक्शन था कुछ पब्लिक ने मिलकर बोला कि नेचुरल सिलेक्शन ही सिर्फ नहीं है, सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही नहीं है जो इवोल्यूशन इसको सब हो रहा है. और फिर सेकेंड पॉइंट है उसका, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस. डार्विन ने ये तो नहीं बताया कि मॉडिफिकेशंस करेंगे, डार्विन ने ये बोला कि मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, लेकिन ये तो नहीं बताया कौन सा मॉडिफिकेशन करना है, कौन सा मॉडिफिकेशन नहीं करना है, कौन सा यूजफुल है, कौन सा यूजलेस है, ये तो उसने नहीं बताया, ये तो उसको बताना चाहिए था. तो ये एक ऑब्जेक्शन था. फिर क्या था, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस. अब देखिए कुछ चेंजेस होते हैं जो बहुत धीरे धीरे धीरे, जैसे हमारे अंदर चेंजेस आए थे हम बंदर से इंसान बने, ये बहुत धीरे प्रोसेस था, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस था. और जो एब्रप्ट चेंजेस अचानक आए थे चेंज, उनके बारे में कुछ नहीं बोला गया था, उनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया. तो यही था ऑब्जेक्शन और डार्विन्स थ्योरी. सो गाइस प्लीज लाइक माय वीडियो. यही था हमारा आज का टॉपिक, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और ये थे हमारे ऑब्जेक्शंस कुछ. सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू. तो कुछ ही दिनों में आपको नेक्स्ट पार्ट स्पेशिएशन भी जल्द मिल जाएगा. थैंक यू.